नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है विकी इंडिया में। दोस्तों, जब जब प्राचीन इतिहास की चर्चा होती है तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इतिहास के पन्नों में बहुत ही मशहूर है। जब जब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यमय नगर मोहनजोदाड़ो का नाम सबसे पहले आता है, जो अब दक्षिणी एशिया के सिंधु नदी के पश्चिम में लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में मौजूद है। यह एक समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, परंतु आज़ादी के बाद बंटवारे के साथ ही ये ऐतिहासिक शहर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यह मनुष्य द्वारा निर्मित विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। दोस्तों, आखिर क्या है मोहनजोदाड़ो का इतिहास? हड़प्पा सभ्यता से इसका क्या संबंध है? मोहनजोदाड़ो क्यों इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है? क्यों मोहनजोदाड़ो का हिंदू धर्म से संबंध बताया जाता है? तो दोस्तों, जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहनजोदाड़ो की खोज साल 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ऑफिसर राखल दास बनर्जी ने की थी, पर यह शहर का अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्कर जिले में स्थित है। हड़प्पा में 2 साल तक बहुत ही ज़्यादा खुदाई के बाद हड़प्पा से कुछ 590 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। बाद में मोहनजोदाड़ो की ज़्यादातर खुदाई साल 1964 से 1965 में डॉक्टर G.F. डेल्स ने करवाई। इसके बाद इसकी खुदाई को रोक दिया गया ताकि संरचनाओं को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और कहा जाता है 100 साल में जितनी भी खुदाई हुई है यह मात्र इस शहर की एक तिहाई ही है। इसकी खुदाई में बड़े पैमाने में इमारतें, धातु की मूर्तियां और मोहरें आदि शामिल हैं। कहा जाता है कि यह सभ्यता 5500 साल पुरानी होने के साथ साथ इसकी जनसंख्या 40,000 से भी अधिक थी। लेकिन IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में सबूतों के साथ खुलासा किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदाड़ो 5500 साल नहीं बल्कि 8000 वर्षों से भी पुरानी सभ्यता है। दोस्तों, आज हमें जो भी जिंदगी जी रहे हैं इससे कई गुना बेहतर और सभ्य जिंदगी लगभग 5500 साल पहले सिंधु सभ्यता के लोग जीते रहे हैं। इस मोहनजोदाड़ो नगर के लोग बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने आज के समाज जैसा शहर प्लान अपनाया हुआ था। यहाँ पक्के घर, चौड़ी सड़कें और कई कुओं के होने का भी प्रमाण मिलता है। मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस शहर में जल और मल की निकासी की उत्तम व्यवस्थाएं थी। नगर की आधुनिकता का प्रमाण देते हुए एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो से वैज्ञानिकों को पशुपतिनाथ की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिस पर हाथी, गैंडा और बैल के चित्र बने हुए थे। उन दिनों में वैज्ञानिकों को खोज के दौरान मिली वस्तुएं इस समाज को हिंदू धर्म से जोड़ती हैं। महिलाओं के जेवरात, आभूषण, दीवारों पर लिखी हुई लिपियाँ व प्राप्त कुछ मूर्तियाँ और तस्वीरें जो बताती हैं कि अब इन पर बारीकी से रिसर्च की गई तो यह तथ्य सामने आए कि यहाँ रहने वाले लोग हिंदू धर्म के थे। तो फिर आखिर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि यह इतने बुद्धिमान और सभ्य समाज वाली सभ्यता खंडर बन गई और ज़मीन में दब गई? कहाँ चले गए यहाँ रहने वाले लोग और क्या हुआ था उनके साथ? अगर वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार यहाँ खोज में प्राप्त नरकंकालों की जो अवस्था, उसके अनुसार तो यही प्राप्त होता है कि यहाँ भयंकर विस्फोट हुआ था, बिल्कुल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों जैसा, क्योंकि इन कंकालों पर भी रेडियो एक्टिविटी के वही लक्षण थे जो हिरोशिमा और नागासाकी में प्राप्त हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ दर्शनशास्त्री इस समाज के अंत के लिए जिम्मेदार कारणों को महाभारत से भी जोड़ते हैं। माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो वही स्थान है जहां पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था। दरअसल उस समय कुरुक्षेत्र की सीमा काफ़ी बड़ी थी, मगर आज यह सिर्फ हरियाणा के छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गई है। इसके अनुसार
मोहनजोदाड़ो के अंत का कारण गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। उस समय एक नहीं बल्कि दो ब्रह्मास्त्र छोड़े गए थे। कहा जाता है जब अश्वत्थामा को अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु की खबर मिली तो उसने पांडवों का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे बचाव के लिए अर्जुन ने भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोक लिया। मगर इन दोनों के ब्रह्मास्त्रों ने वहाँ मौजूद हजारों लोगों की जान ले ली। वहाँ इतना भयानक विस्फोट हुआ कि मोहनजोदाड़ो के नागरिकों को अपनी जान बचाने का भी समय नहीं मिला और एक नगर तबाह हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल विकी इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।